बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान हमेशा ही ईद पर अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। यही वजह है कि ईद के अवसर पर अपनी फिल्मों को रिलीज करने की परंपरा को जारी रखते हुए अपनी नई फिल्म भारत को 2019 में ईद पर रिलीज करने का फैसला किया है। यह फिल्म 2014 की दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का आधिकारिक रिमेक है। बता दें कि इस फिल्म को सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री प्रोड्यूस करने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म को लेकर उन्होंने बताया कि ये एक देश की यात्रा है और एक व्यक्ति की भी, जहां दोनों को ही भारत के नाम से जाना जाता है। भारत को भी अली अब्बास जफर डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पंजाब और दिल्ली के अलावा अबू धाबी और स्पेन में होगी। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2018 से शुरू होगी। फिलहाल सलमान खान और उनकी टीम फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर बिजी है। फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। बता दें कि टाइगर जिंदा है के बाद सलमान की रेस 3 आने वाली है, जो कि ईद 2018 में रिलीज होगी, जिसके बाद सलमान भारत की शूटिंग शुरू करेंगे। आप सलमान को भारत में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके बताना मत भूलेगा। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।